नमो राव, राव। थैंक यू चेयरमैन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द दिट्यूशन एमेंडमेंट फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स चेयरमैन साहब अभी ये बिल के बारे में अभी तक जितना आदमी भी बात किया है सब लोग ये चाहता है उसका रिजर्वेशन में रिजर्वेशन का बारे में जो भी कैश को इंक्लूड कर रहा है उसका साथ साथ वो लोगों को वो लोगों का लाइफ अपलिपमेंट के लिए वो लोगों का डेवलपमेंट के लिए ये सब भी जो है ना उसको ये गवर्नमेंट देखने का बहुत जरूरत है अभी अभी एक ऑनरेबल मेंबर ने बात कर रहा था शेड्यूल ट्राइप में बहुत लोग जो है ना दिन भर काम करने का बाद भी शाम को जो है ना भूखा मरते हुए बहुत लोग जो है ना भूखा मारा बोल के पता है पचहत्तर साल हो गया स्वतंत्र आके आज के दिन में भी अगर खाना बिना खाना से जो लोग मर रहा है वो भी जो है ना शेड्यूल ट्राइप में मर रहा है तो ये हम लोग का हाउस का जिम्मेदार बनता है ऐसा कैस्ट को जो है ना पूरा अपलिफ्ट करने के लिए वो लोगों का एरिया को जो है ना डेवलपमेंट करने के लिए वो लोगों का बच्चा को जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना एजुकेशन देने के लिए वो लोगों को सर्विस सेक्टर में सब कुछ सुविधा देने के लिए हम लोग का जिम्मेदार बनता है ये तो बहुत दुख का बात है अभी भी जो है ट्राइबल्स में बहुत लोग खा, बिना खाना से जो है ना मर रहा है यह देश का परिस्थिति बोल के अभी तक बहुत आदमी बात किया है हॉनरेबल ने। उसके बारे में बहुत सीरियसली जो है ना उसको सोचना चाहिए उसका साथ साथ हम लोग तेलंगाना बनने के बाद हम लोग एक बिल लेके आया है 2000 बिल नंबर 2017 उस बिल में हम लोग जो है शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल कास्ट का ये लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए वो लोग का बच्चा लोगों को एजुकेशन देने के लिए और उसी का साथ साथ जो है ना वो लोगों को सर्विसेज में रिजर्वेशन करने के लिए वो बिल जो है ना हमारा बिल असेंबली में पास करके 2017 में केंद्र प्रभुत्व को भेजा है इसके बारे में हम लोग बहुत दफा लेटर भी लिखा है यह हाउस में जो है ना बात भी किया है हमारा जो है ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है ऑनरेबल जो है ना मिनिस्टर का पास भी यह बिल के बारे में हम लोग काफी कुछ बात किया है अगर आप लोगों को शेड्यूल ट्राइप में शेड्यूल कास्ट में अगर रियली वालों का जीवन में जो तकलीफ है उसको दूर करना चाहते हैं तो पहले तेलंगाना का ये बिल को तुरंत जो है ना पास करवाइए। तेलंगाना का बिल 2017 करीब करीब चार साल से जो ये बिल केंद्र में पड़ा है और ये बिल को जो है तुरंत जो है ना हमको करवाइए, पास करवाइए और उसको जो ना एक्ट बनाइए और हमारा जो है तेलंगाना का एस का एस को लोगों को आप सपोर्ट करिए अदरवाइज जो है ना ये क्लियर इंडिकेशन है तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास के लिए के लिए टी के लिए आप लोग जो है ना थोड़ा भी नहीं सोच रहा है यह मैसेज आप लोग दे रहा है उसका साथ साथ हम लोग कैटेगरी के लिए भी 2014 में असेंबली रिजोल्यूशन करके ये भी सीडी का कैटेगरी के लिए भी आपका पास भेजा है अभी आठ साल हो गया आठ साल से जो है ना उसमें भी आप कुछ भी नहीं कर पाया है ये सब थोड़ा देखने का है उसका साथ साथ हम यही बोलना चाहते हैं आज के दिन में जो एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट का बिल के बारे में बात कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है बाबा साहब अंबेडकर का उसका नाम से जो है ना अभी जो नया पार्लियामेंट का नाम भी वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लगाने के लिए हम लोग जो है गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट को जो है ना मांग कर रहे हैं कम से कम जो है ना देश का एस टी एस टी बी सी लोग कम से कम ये सोचेगा जो नया पार्लियामेंट का नाम अगर अंबेडकर जी का नाम आए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग भी जो है ना तेलंगाना में अमर असेंबली का नाम नया असेंबली के लिए हम लोग अंबेडकर जी का नाम रखा है आप लोग भी ये नाम रखिए उसके साथ साथ तेलंगाना में हम लोग एक दलित बंधु हम लोग दे रहा है हर एक दलित के लिए दस लाख रुपए जो है ना हम लोग दे रहा है फ्री उसको जो है ना फिर रिटर्न लेने का भी जरूरत नहीं है उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरा देश में आप लोग शेड्यूल ट्राइब का बंद भी आप दे दीजिए तभी जो है ना वो लोगों का फैमिली सप्लिफ्टमेंट में आएगा वो लोगों का जीवन जो है ना थोड़ा अच्छा रहेगा उसका साथ साथ हमारा का वन ऑफ सेवनटीन एक्ट आप, आप लोग लाया है उस टाइम से लेकर अभी तक जो है ना शेड्यूल ट्राइब में वो लोगों को जो है लैंड जो है ना वो लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए रुकावट चल रहा है वो बिल भी जो है अमेंडमेंट करिए जो जो शेड्यूल ट्राइब ने अपना खेती बाड़ी करता है वो खेत जो है ना वो खेत लोगों को दीजिए ये तेलंगाना का नहीं है पूरा देश में जो शेड्यूल ट्राइब में जो लोग जो है ना अपना खेती बाड़ी कर रहा है वो खेत को जो है ना वो लोगों का नाम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका माध्यम से डिमांड कर रहा है जरूर जो है ना ये तीन चार मुद्दा जो है हम लोग जो उठाया हम हम तो मिनिस्टर को हम यही बोलेगा आपका रिप्लाई में इसको कंसर करिए और जरूर जो है ना यह बात को जो है ना ध्यान में रखते पचहत्तर साल का बाद भी ये हाउस में जो ना बुखा मर रहा बोल के बोलने की वजह से हमको भी बहुत तकलीफ हुआ है उसके लिए भी जो है ना आप क्लियर कट जो है ऐसा लोग को क्या करेगा ये गवर्नमेंट उसके बारे में बोलने के लिए हम लोग जो ना है ना डिमांड कर रहे हैं थैंक यू चेयरमैन थैंक यू श्रीमती सुप्रिया सोले